जबलपुर में नगर निगम सामान्य सभा की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक में महापौर की सर्वे सूची का अनुमोदन हुआ, जिसके बाद विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने निगम सरकार पर आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सर्वे सूची में जमकर धांधलेबाजी हुई। शहर के कई अरबपति और खरबपतियों का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि वो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। विशेष सम्मेलन था, केंद्र सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का सर्वे होना था, उस सूची का आज अनुमोदन होना था, परंतु ना सूची की जानकारी किसी पार्षद को है, ना मेयरिंग काउंसिल से उसका अनुमोदन हुआ। सीधे सामान्य सभा में लाके जो कि पूर्णतः फर्जी और बोगस सूची है, उस सूची में इस नगर के ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति लोगों का नाम है जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उन सबसे बात किया तो वो सबको मालूम ही नहीं था कि उनका नाम इस आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इस चीज को माना है कि हमारे निगम के जो नोडल अधिकारी है, जो सुपरवाइजर है, कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हुई है। उनका कहना है कि हम आयकर में आते हैं और EWS में हमारा गलती से नाम आ गया है। उन लोगों ने खुद इसे हटाने की मांग की है, तो मुझे लगता है कि हमारे जगदलपुर में सभी बहुत ही जागरूक है और जिन्हें भी अगर पता चलेगा कि त्रुटिवश भी अगर उनका नाम आ गया तो खुद वो हमारे निगम से पहले शायद वो अपना आवेदन यहाँ लगा दे कि हमारा नाम हटाया जाए और निगम अपना अभी काम पार्षदों के साथ मिलकर बिल्कुल नियम के साथ करेगा और 7 दिन में बिल्कुल इसे पूरा किया।